गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष, संतोष श्रीवास्तव। बच्चों, आप सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट में आपने कई सारे रूल्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। आज मेरा ये सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का पांचवा दिन है, फिफ्थ पार्ट के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। और जो चीजें आपने पढ़ ली हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप देख लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देख लें कि क्या और लॉट ऑफ से संबंधित चीजें आपके प्रिपेयर्ड हैं, क्या मेजॉरिटी ऑफ आपका क्लियर हो गया, और नंबर ऑफ देख लें आप, द नंबर ऑफ देख लें, मोस्ट ऑफ देख लें और फ्यू ऑफ देख लें। और लिटिल ऑफ देख लें। द वैरायटी ऑफ देख लें। ईच ऑफ अश वाली अवस्था हो या वी ईच की अवस्था हो, ये सारी चीजें जो आपने अब तक पढ़ी हैं वो देख लें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी है ये बच्चों, मैं आपको सारी चीजें इसलिए रिमाइंडर दे रहा हूं क्योंकि पढ़ने से नहीं कुछ होगा बच्चों, आपको इन्हें रिवीजन भी आपको करते रहना होगा। ये वाला देख लें, अगर आपको याद हो, मोर देन वन की जो अवस्था है और मोर प्लस प्लूरल प्लस वन टू थ्री फोर इनकी जो अवस्था आपके सामने है, इसके अलावा मोर प्लस अनकाउंटेबल नाउन देन की जो अवस्था है, ये सारी चीजें क्या कर लें आप देख लें हमारे पहले दूसरे तीसरे और चौथे पार्ट्स में। आप इन्हें देख लें और फिर देखने के बाद हम आज से अपने आगे के रोज जो है वो शुरू करें, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों का बच्चों और भी जो चीजें छूट रहे हैं आप इन्हें रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि चीजें आपके अधिक से अधिक काम आ सके आपके एग्जाम में। चलिए बच्चों, ये पांचवा पार्ट है मेरा और इसका पहला जो रूल है बच्चों ये कुछ है। पहले रूल में आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं और उन कंपाउंड सब्जेक्ट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमें कोई वाक्य इस तरीके का दिया जाए, नॉट द स्टॉफ बट The minister was responsible. Yeah. The minister and not his staff was Response. ये दोनों सेंटेंसेस आप देखें बच्चों और सोचने की कोशिश करें कि इनको कैसे हम, अगर इनमें कॉमन एरर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करें, देखें और मुझे बताएं
कैसे आप इनको चूज कर सकते हैं। पहले वाले वाक्य में क्या गलत हो सकता है, क्या चीज है जो आपको लगता है कि इसमें गलत हो सकती है पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी देख लें क्या गलत हो सकता है। देखिए ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, जहां के पास दो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, एक है यहां पे द स्टाफ और एक यहां है द मिनिस्टर। ऐसे यहां भी आपका है, एक है यहां द मिनिस्टर और एक है यहां पे हिज स्टाफ, यानी एक कंपाउंड से सब्जेक्ट्स हैं आपके। आपको यहां कौन सा रूल चाहिए बच्चों, ये रूल चाहिए आपको। अभी आप इन वाक्यों को देखिएगा फिर से, पहले ये देखिए हमारा जो पहला रूल शुरू होता है वो ये, कंपाउंड सब्जेक्ट्स में नेगेटिव सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब न लें। तो किसके अनुसार आपको लेना है, आपको लेना है पॉजिटिव सब्जेक्ट के अनुसार। यानी अगर आपको कंपाउंड सब्जेक्ट्स दिए गए हो और उन कंपाउंड सब्जेक्ट्स में एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो आप पॉजिटिव वाले के अनुसार चलें न कि नेगेटिव के अनुसार। अब देखें ये वाक्य आप कर सकते हैं, नॉट द स्टाफ मेंबर्स बट द मिनिस्टर वर स्पॉन्स। अब अगर ऐसे वाक्य आपको सॉल्व करने हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला है बच्चों, कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं तो हम नेगेटिव वाले को सब्जेक्ट के रूप में उसके अनुसार वर्ब न लें, हम जो पॉजिटिव हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार लें। तो बच्चों इसमें आपका पॉजिटिव सब्जेक्ट कौन सा है, ये है क्या, नॉट द स्टाफ मेंबर्स, ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव है, कौन सा सब्जेक्ट आपका पॉजिटिव है, ये ना। इसका मतलब कि हमको यहां पे वर नहीं लेनी है बच्चों, क्या लेनी है, वाच लेनी है, यहां क्या हो जाएगा, वाच। ऐसे ही यही वाक्य देखें आप ऐसे लिख सकते हैं, द मिनिस्टर एंड नॉट द स्टाफ मेंबर्स वर रिस्पॉन्सिबल। अब तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि इसमें क्या गलती है, पूरी वाक्य को देखें, द मिनिस्टर एंड नॉट द स्टाफ, यानी वो मंत्री एंड नॉट द स्टाफ, न कि उसका जो स्टाफ था, स्टाफ मेंबर्स थे, वर रिस्पॉन्सिबल। कर लेंगे बच्चों, आप इसके लिए क्या करें, आप ये देखें कि आपके पास पॉजिटिव के रूप में और नेगेटिव रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ये द मिनिस्टर यहां पॉजिटिव सब्जेक्ट में है या नेगेटिव में है, कौन सा है बच्चों, ये पॉजिटिव सब्जेक्ट है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब तो ये नॉट द स्टाफ मेंबर्स किस में आएगा, ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये आपका नेगेटिव में आ जाए। जब ये नेगेटिव में आ जाएगा तो आपकी जो वर्ब है नेगेटिव के अनुसार नहीं चलेगी, किसके अनुसार चलेगी, पॉजिटिव के अनुसार।
तो पॉजिटिव क्या है आपका? द मिनिस्टर। अगर द मिनिस्टर है तो फिर यहां वाज नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहां? अरे वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वाज। ये दोनों वाक्य देखें बच्चों आप, और एक मैं तीसरा सेंटेंस भी आपको दूंगा, उससे और आप क्लियर होंगे। पहले दोनों वाक्य देख लें, इनके अंतर को देख लें और बोले। अगर आप कहीं न समझ में आ रहा हो बोले। मैं फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं आपको, अगर हमारे पास दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स जैसे हैं, नॉट द स्टाफ मेंबर्स बट द मिनिस्टर, अगर दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स अगर ऐसे जुड़े हैं, तो आपको जो वर्ब लेनी है बच्चों वो किसके अनुसार लेनी है? वो पॉजिटिव वाले सब्जेक्ट के अनुसार, न कि नेगेटिव वाले। तो फिर यहां पे नेगेटिव था ना, नॉट द स्टाफ मेंबर्स, तो हमें इसके अनुसार वर्ब नहीं लेनी, हमें किसके अनुसार लेनी है? हमें पॉजिटिव सब्जेक्ट बट द मिनिस्टर के अनुसार लेनी है, तो वर नहीं वाज हो गया। दूसरा वाक्य है द मिनिस्टर एंड द स्टाफ मेंबर्स, है ना, द मिनिस्टर एंड द स्टाफ मेंबर्स, इसमें हमारा पॉजिटिव सब्जेक्ट कौन सा है? द मिनिस्टर है, और नेगेटिव कौन सा है? नॉट द स्टाफ मेंबर्स, है ना, तो हमें किसके अनुसार चलना है? द मिनिस्टर के अनुसार, तो फिर यहां वर नहीं क्या हो जाएगा? वाच हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाक्य देखते हैं। Not the staff, चलिए उल्टा लिखते हैं बच्चे, ये लिखते the staff members and not the minister was responsible। अब करके देखें आप, समझ जाएंगे। हमें पॉजिटिव के अनुसार चलना है, पॉजिटिव क्या है? द स्टाफ मेंबर्स, और नेगेटिव क्या है? नॉट द मिनिस्टर, है ना, तो पॉजिटिव अनुसार हो जाएगा, द स्टाफ मेंबर्स अनुसार यहां पर वाज नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहां पे? वाज। ठीक है, ये आपका पहला रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पांचवें पार्ट में। मेरा पहला क्या रूल हो गया बच्चों? यदि हमारे पास दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं और दोनों कंपाउंड सब्जेक्ट्स में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपको किसके अनुसार चलना होगा? आपको पॉजिटिव जो सब्जेक्ट आपका है उसके अनुसार चलना होगा, न कि नेगेटिव सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, एक और आप वाक्य अगर बनाना चाहें देख लें, नॉट द मैन बट हिज सन्स वर, चलिए कुछ और लेते हैं, वर Doing the work। कोशिश करें बच्चों, देखें बताएं क्या सही होगा इसमें। Not the man but his sons were doing the work। रूल काम आएगा बच्चों आपके कि हमें पॉजिटिव सब्जेक्ट को देखना है, न कि नेगेटिव सब्जेक्ट को। कर लेंगे, पॉजिटिव सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ये, यही पॉजिटिव है? नहीं, हमारा पॉजिटिव सब्जेक्ट क्या है? ये हिज सन्स, और अगर हिज सन्स है बच्चों तो हिज सन्स के अनुसार आपने क्या लिया है? वर्ब, यानी यहां पे क्या हमारे पास है? नो एरर, कोई एरर इस वाक्य में। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रूल है आपका दूसरा, जो कलेक्टिव नाउन से संबंधित है, जो हमें समझते समय ध्यान से पढ़ना होगा बच्चों। क्या कहा मैंने? ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये वो रूल है
जो अक्सर आपके एग्जाम्स में दिया जाता है। तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं और फिर यहां पे देखते हैं। बच्चों आपको जरूर पढ़ाया गया होगा कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, और इसीलिए क्योंकि एक ही नाउन दो तरीके से काम करता है इसलिए बहुत सारे बच्चे वहां पर कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। हमारा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम इन कलेक्टिव नाउन्स को कब सिंगुलर में यूज करें और कब इन्हें प्लूरल में यूज करें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे ये कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स में समझते होंगे जहां भी कलेक्शन है, जहां भी लोगों का समूह है वो क्या है बच्चों, एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे ये क्या है बच्चों, एक कलेक्टिव नाउन है ना, ये क्या है एक कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है एक कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है कलेक्टिव नाउन है, ये भी क्या है कलेक्टिव नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ये भी क्या है फर्म कलेक्टिव नाउन है, काउंसिल क्या है कलेक्टिव नाउन है, गवर्नमेंट क्या है कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी क्या है कलेक्टिव नाउन है, ऑडियंस क्या है कलेक्टिव नाउन है, सीनेट क्या है कलेक्टिव नाउन है, क्लास क्या है कलेक्टिव नाउन है, कमिटी क्या है कलेक्टिव नाउन है, फैमिली क्या है कलेक्टिव नाउन है, टीम क्या है कलेक्टिव नाउन है। ये सारे क्या है बच्चों, आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं आपके, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये दो अर्थ में काम करते हैं। एक ऐसा अर्थ जो एक समूह के रूप में काम करता है और एक ऐसा अर्थ जो अलग अलग होकर के काम करता है। अगर इसमें एक और शब्द आप जोड़ना चाहें ये सब भी जोड़ सकते हैं बच्चों, यूनियन। तो अगर ये दो अर्थों में काम करते हैं तो हम इन्हें दो नामों से याद कर लें। अगर ये नाउन्स जो हैं एक समूह के रूप में काम करते हैं तो इन्हें हम किस नाम से जान लें, कलेक्टिव नाउन्स के नाम से जान लें। और अगर ये नाउन्स अलग अलग मतों में यूनिट्स में काम करते हैं तो हम इन्हें इस नाम से जान लें, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। किस नाम से बच्चों, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के नाम से, मल्टीट्यूड लिखा है मैंने वहां पे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। फिर से अगर ये नाउन्स कौन कौन से नाउन्स बच्चों, ग्रुप समझते हैं आप, स्टाफ समझते हैं, स्टाफ समझते हैं जो कार्यालय वगैरह में काम करने वाले लोग होते हैं वो स्टाफ होते हैं, आर्मी जानते हैं आप, कंपनी जानते हैं, मॉब उपद्रवी भीड़ को कहते हैं, पब्लिक जानते हैं आप, फर्म जानते हैं आप, काउंसिल किसी सभा को कहते हैं, गवर्नमेंट जानते हैं आप, ज्यूरी क्या होता है, जो न्यायाधीशों की एक पीठ होती बनाई जाती है किसी मामले की देख रेख करने के लिए, वो ज्यूरी होती पीठ कहते हैं, ऑडियंस जानते हैं आप, सीनेट क्या होती है संसद को कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसमें फिर ये भी शब्द यूज कर सकते हैं बच्चों, पार्लियामेंट यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्लास आप जानते हैं, कमिटी क्या होती है एक समिति होती है आपकी, फैमिली आप जानते हैं, टीम आप जानते हैं, यूनियन संघ को कहते हैं, संगठन को कहते हैं। यानी अगर ये नाउन्स हैं आपके सारे तो इन नाउन्स को अगर आप एक समूह के रूप में यूज कर रहे हैं तो आप इन्हें कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं, और अगर ये अलग अलग विभाजित होकर के कार्य करते हैं तो हम इन्हें नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में जानते हैं। तो बस यही इसी दोनों में हमारा रूल जो है
वो समाया हुआ है। किन दोनों में? कि अगर ये कलेक्टिव के रूप में काम करेंगे तब ये कौन सी वर्ब लेंगे, और अगर नाउन आप मल्टीट्यूड के रूप में काम करेंगे तब ये कौन सी वर्ब लेंगे। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये सारे नाउन्स जो हैं, अगर एक और शब्द अगर आप चाहें तो यहां जोड़ सकते हैं बच्चों, आप ट्रुप होता है ना, ट्रुप मीन्स मंडली होती है, जो गायकों वगैरह कलाकारों की मंडली होती है बच्चों, वो भी इसी में आ जाएगी ट्रुप में। आप तो ये अगर सारे नाउन से कलेक्टिव के अर्थ में काम कर रहे हैं बच्चों, तो ये कौन सी वर्ब लेंगे? वी वन लेंगे। कौन सी वर्ब बच्चों? वी वन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म में, बल्कि वी वन में लिखे बच्चों, आप सिंगुलर लिख रहे हैं, सिंगुलर लिख रहे हैं। और अगर आप नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में काम करेंगे तो फिर ये क्या काम करेंगे? पी, यानी प्लूरल के रूप में काम करेंगे। फिर से, अगर ये सारे नाउन्स, कौन कौन से नाउन्स? ग्रुप, स्टाफ, आर्मी, याद कर ले बच्चों काम आए हो, आर्मी, कंपनी, मॉब, पब्लिक, फर्म, काउंसिल, गवर्नमेंट, ज्यूरी, ऑडियंस, सेनेट, क्लास, कमिटी, फैमिली, टीम, यूनियन, पार्लियामेंट, ट्रुप, अगर ये सारे नाउन्स एक कलेक्टिव ग्रुप में काम कर रहे हैं, मिल करके काम कर रहे हैं, तो हम इनकी वर्ब क्या लें? सिंगुलर। और अगर ये अलग अलग रूपों में कार्य कर रहे हैं, बटे हुए होकर के कार्य कर रहे हैं, तो इनको क्या ले लें हम? प्लूरल वर्ब लें। ठीक है, समझ रहे हैं? अब हम इनको एग्जाम्पल्स से देखते हैं कि कैसे कहां पर हमको कौन सी वर्ब लेनी है। चलिए बच्चों, अपने से भी आप देखिएगा कि क्या आप समझ रहे हैं कौन सा नाउन लगेगा यहां पर। देखिए, द क्लास, इज डिवाइडेड ओवर दिस पीस। देखें बच्चे और बताएं यहां पे क्या लगेगा, आपको सिंगुलर वर्ब लेनी है या फिर आपको प्लूरल वर्ब लेनी है? याद हो गया ना, क्लास आपकी क्या है? कलेक्टिव नाउन, जो अलग अलग भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। द क्लास इज डिवाइडेड, यानी क्लास जो है विभाजित है, अलग अलग है, ओवर दिस इशू, इस मुद्दे पर, यानी इस मुद्दे पर जो क्लास है वो डिवाइडेड है। समझ गए होंगे बच्चों कि यहां पर जो इज आपने लगाया है ये क्या है? गलत है, क्योंकि जब ये डिवाइडेड हो गई तो फिर इज नहीं, यहां क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, लेकिन यही वाक्य देखें आप, द क्लास इज यूनैनिमस ओवर दिस इज। अब देखें बच्चों, ये वाक्य सही है या गलत? बोले बच्चे, ये वाक्य सही है या गलत? द क्लास इज यूनैनिमस, यूनैनिमस क्या होता है? एकमत, व्हेन ईच एंड एवरीवन इज एट वन पॉइंट, यानी जब हर लोग एक पॉइंट पे सहमत हैं, तो फिर वो क्या है? यूनैनिमस है। तो द क्लास इज यूनैनिमस ओवर दिस इशू, यानी पूरी क्लास जो है वो इस मुद्दे पर एकमत है। और जैसे ही एक मत हुई बच्चों, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये जो इज है ये यहां क्या है? सही। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। जितने एग्जांपल्स देखते हैं उतना आप क्लियर होते जाते हैं। देखते हैं, द कमिटी हैज taken this decision unanimously। अब तो समझ जाए, बोले ये वाक्य सही है या गलत? The committee has taken this decision unanimously। Unanimously adverb के रूप में हो गया, एकमत। जैसे ही आपने देखा कि एकमत है
अर्थात वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो द कमिटी के साथ क्या लिया मैंने बच्चों, हैज, नो एरर हो जाएगा, वाक्य क्या है आपका सही है। चलिए और देखते हैं बच्चों, मोहन सो फैमिली इज वे, बताएं बच्चों ये फैमिली के साथ यहां इच लगेगा या आर लगेगा। अगर इसके साथ एक और एग्जांपल आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये दोनों वाक्य देखें और बताएं इन दोनों वाक्यों में कौन सा सही और कौन सा गलत है, बोले बच्चों। इन दोनों वाक्यों में ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पर हम मोहन की फैमिली की बात कर रहे हैं, हम पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, तो फिर यहां पे किस क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी एक यूनिट के रूप में हम बात कर रहे हैं बच्चों। लेकिन यहां देखें मोहन्स फैमिली इज सेटल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी उनका जो परिवार है वो अलग अलग राज्यों में क्या है, स्थापित है। अगर वो अलग अलग राज्यों में सेटल्ड है अलग अलग हो गए, और अगर वो अलग अलग हो गए इट मीन्स कई सारे यूनिट्स में बट गए, और जब कई सारे यूनिट्स में बट गए तो बच्चों इस कैसे होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगा, है ना। मोहन सब फैमिली आर सेटल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। एक एग्जांपल और देखते हैं, the team has taken this decision, एक ये और एक और बात, the team are at the top of this tournament। दोनों वाक्यों बच्चों देखें, द टीम हैज टेकन दिस डिसीजन, अभी क्लियर नहीं है कि उन्होंने यूनैनिमसली डिसीजन लिया है या अलग अलग निर्णय लिया है, तो यहां पर आप हैज भी रख सकते हैं और हैव भी रख सकते हैं। लेकिन यहां देखें The team are at the top of this tournament। टीम इस टूर्नामेंट के बिल्कुल अंतिम, मतलब सबसे उच्च स्थान पे, टॉप पे है। अगर वो टॉप पे है तो हम यूनिट की बात कर रहे हैं, टीम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इस कुछ, ठीक है। ये दोनों वाक्य भी आपको समझ में आएंगे, हम और एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कर लिए बच्चों, चलिए अब इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं जिन रूल्स को आपको अगर चाहें तो आप अलग से भी, मतलब सेंटेंसेस के थ्रू तैयार कर सकते हैं या फिर आप उन्हें अलग से भी तैयार कर सकते हैं। एक मिनट बस, देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने कुछ सेंटेंसेस जो एग्जाम्स में आपको दिए गए आए हुए हो, अगर वो सेंटेंसेस लें तो आप कर पाते हैं कि नहीं, देख द पब्लिक वांट्स
a stable government in the state. ये सेंटेंस देखें बच्चों और बताएं ये वाक्य सही है या गलत। द पब्लिक वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट इन द स्टेट। वाक्य को पढ़ें, द पब्लिक आपको याद हो गया होगा एक कलेक्टिव नाउन है, जो कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी हो सकता है। बोले बच्चों क्या सही है? एक और वाक्य देखें आप, ये वाक्य देखिए बच्चों। पहला वाक्य है द पब्लिक वांट अ स्टेट स्टेबल गवर्नमेंट इन द स्टेट। क्या पब्लिक कभी भी अलग अलग होकर चाहेगी? क्या कुछ लोग ऐसा चाहेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट ना हो और कुछ लोग ऐसा चाहेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट हो? ऐसा नहीं है ना, दोनों यानी सारे लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार जो हो वो स्टेबल हो, अस्थाई हो। अगर सब लोग चाहेंगे कि सरकार अस्थाई हो, अगर सब लोग चाह रहे हैं, यानी पब्लिक हमारा क्या हुआ यहां पे, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में हुआ। और अगर ये कलेक्टिव नाउन के रूप में हुआ तो फिर यहां वांट नहीं हुआ बच्चों, क्या हो जाएगा यहां पे, वांश हो जाएगा, यही होगा ना। अब ये वाक्य देखते हैं, द ज्यूरी हैव टेकन इट्स डिसीजन। यहां कहीं से भी ये क्लियर नहीं है कि वो ज्यूरी उस निर्णय लेने में अलग अलग, हाँ ये भी सही है कि ये भी नहीं यहां पे लिखित है कि वो अलग अलग थे या एक थे, ठीक है। लेकिन मैंने जो प्रोनाउन लिया है वो इट्स लिया है। अगर मैंने इट्स लिया है, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूंगा कि मैं ज्यूरी को सिंगुलर मान रहा हूं, अर्थात वो एक मत रहे होंगे। और अगर एक मत रहे होंगे तो आपकी प्रेफरेंस यहां पर हैव न होकर क्या हो जाएगी, है। अब आपके मन में आ सकता है कि सर अगर हम यहां है भी रहने दें और यहां पे क्या कर दें, देर, बिल्कुल सही, तब भी आपसे हो जाएगा। देखें यहां क्या वो आपसे कहना चाह रहे कि अगर यह अस्पष्ट है, अगर यह अस्पष्ट है कि वह डिवाइडेड यानी वो लोग डिवाइडेड है, तो आपको हर हाल में क्या लेना होगा, प्लूरल ही लेना होगा। और अगर यह अस्पष्ट है कि वो लोग एक मत हैं, तो आपको क्या लेना होगा, हर हाल में सिंगुलर वर्ब लेने होंगे। लेकिन अगर यह अस्पष्ट नहीं हो, जैसे यहां पर है, अब यहां इस वाक्य में आपको ये कतई पता नहीं चलेगा कि ज्यूरी वो एक मत हैं या अलग अलग हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे निर्भर करता है कि आप इन्हें सिंगुलर में रखते हैं या प्लूरल में रखते हैं। अगर आप इन्हें सिंगुलर में रखना चाहते हैं तो हैव के स्थान पे क्या ले लें, हैज ले लें, और यहां पर ऑलरेडी इट्स है। और अगर आपको लगता है नहीं वो अलग अलग रहे होंगे, तो फिर आप यहां हैव रहने दें और यहां पर क्या ले लें आप, देखो। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर एग्जाम में हम कैसे जानेंगे, जब वो एग्जाम में देंगे ना तो आपको हर हाल में वो शो करेंगे कि हाँ वो डिवाइडेड थे या यूनानिमस थे। अगर वो यूनानिमस थे तो फिर सिंगुलर वर्ब, और अगर वो डिवाइडेड थे तो फिर प्लूरल वर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। द माउथ वाज dispersed in all directions। देखें बच्चों और सोच के बताएं कि हां यहां पे डिवीजन था या यूनानिमस थे वो। बोले बच्चों द मॉब वाज, मॉब समझते हैं बच्चों, मॉब उपद्रवी भीड़ को कहते हैं, और dispersed बिखरा हुआ, जो उपद्रवी भीड़ थी वह dispersed इन ऑल directions, वो सभी दिशाओं में क्या थी, बिखरी हुई थी। तो क्या लेना चाहेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? बोलिए बच्चों
क्या आपको एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप? डिस्पर्श मीन्स बिखरे हुए, अलग अलग, और जब वो अलग अलग थे बच्चों तो फिर यहां वास नहीं, क्या हो जाएगा? ठीक है, और देखते हैं, द क्लास हैव टेकन दिस डिसीजन एंड दे आर नॉट गोइंग टू मिट्रा। पूरे वाक्य को देखें बच्चे और बताएं क्या लेंगे, सिंगुलर लेना चाहेंगे या प्लूरल लेना चाहेंगे? देखो, द क्लास हैव टेकन दिस डिसीजन एंड दे आर नॉट गोइंग टू विदड्रॉ फ्रॉम इट, भी ले सकते हैं आप। तो बच्चों कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये एकमत होकर के उन्होंने निर्णय लिया या अलग अलग यूनिट्स में बंट करके निर्णय लिया, कहीं नहीं पता चल रहा। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं फिर कहूंगा बच्चों, ये आप पे निर्भर करेगा कि आप इन्हें सिंगुलर में रख रहे हैं या प्लूरल। लेकिन एक चीज जो आपको दिमाग में बना करके रखनी है, वो क्या हो सकती है कि अगर आप सिंगुलर लें तो दोनों सिंगुलर है, यानी वर्ब भी और उसका प्रोनाउन भी। आप ये स्थिति नहीं आने दीजिएगा। देखें, ये कंडीशन आप कभी भी ग्रामर में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप हैस को है बनाना चाहते हैं तो भी आप सही हैं, और अगर आप इट्स को देयर बनाना चाहते हैं तो भी आप सही हैं, बट ये दोनों कंट्रास्ट करके नहीं रख सकते हैं आप। यानी ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों कि आप यहां पे वर्ब जो है वो प्लूरल लें और प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर। अगर आपने वर्ब को प्लूरल रखा है तो इसे भी प्लूरल रखें, और अगर आपने इसे प्लूरल रखा है तो इसे भी क्या रखें, बस। यानी अगर है को आपने चेंज कर दिया है इसमें तो इसे इट्स रहने दें, और अगर यहां है भी रहने देते हैं तो यहां मत भूल जाइएगा, इसे क्या बना लीजिएगा, देयर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं इससे संबंधित, और देखें ये वाक्य सही है या गलत। ये वाक्य, द स्टाफ इज कमिटेड टू द वर्क, सही है या गलत? द स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है, तो यहां ये कलेक्टिव नाउन के रूप में काम कर रहा है या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में? कहीं से भी आपको लग रहा है कि वो डिवाइडेड है? नहीं, अगर हम पूरे स्टाफ को एक मान रहे हैं तो फिर ये वाक्य क्या माना जाएगा, आपका सही माना। यानी इस वाक्य में कोई भी ऐसी एरर नहीं है जो आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते बच्चों, और देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच गए हैं। देखें बच्चों, और इससे आपको पता चलेगा आप समझ पाए हैं कि नहीं। Thank you.
द काउंसिल इज इन फेवर ऑफ दिस एक्ट, ने जो काउंसिल है जो सभा है वो इस एक्ट यानी इस कानून के पक्ष में है। सोचिए बच्चों, पक्ष में यानी हम यूनिटी के रूप में देख सकते हैं, एक यूनिट के रूप में रख सकते हैं, और अगर हम एक यूनिट के रूप में रख सकते हैं तो ऑलरेडी हमने क्या लिया है बच्चों, इस लिया है, यानी वाक्य आपका सही है। समझ गए होंगे, यानी अगर हमारे पास ये सारे शब्द, कौन से शब्द, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रुप हो, चाहे वो टीम हो, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे वो सीनेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो ज्यूरी हो, चाहे वो कमिटी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, ये सारे जो कलेक्टिव नाउंस हैं, अगर ये एक मत में है तो आप इन्हें सिंगुलर में रखें, और अगर ये अलग अलग मत में है तो आप प्लूरल में रखें। और जो तीसरी कंडीशन मैंने आपको समझाई कि अगर आप यह स्पष्ट नहीं है वाक्य से कि वो यूनैनिमस है या फिर डिवाइडेड है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर निर्भर करेगा कि आप उन्हें सिंगुलर में रखते हैं या प्लूरल में रखते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, वर्ब को प्लूरल रखना है तो अगर उसका प्रोनाउन है तो उसे भी प्लूरल रखें, और अगर प्रोनाउन को सिंगुलर रखना है तो वर्ब को भी क्या रखें, सॉरी, दोनों में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसी से संबंधित लास्ट पॉइंट देख लें आप, अगर कहीं आपको कोई डिटर्मिनर दे दिया जाता है, ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनर दे दिया जाता है और इस डिटर्मिनर के साथ कोई आपको कलेक्टिव नाउन दे दिया जाता है, और जो डिटर्मिनर आपको दिया जाता है वो डिटर्मिनर कैसा है बच्चों, सिंगुलर है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आपका जो वर्ब होगी आपकी वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। डिटर्मिनर समझते हैं बच्चों आप, जो ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं ये आपके डिटर्मिनर्स में आते हैं। जो आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर्स है, ये जो आपके आर्टिकल्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं आपके, ये आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। इसके अलावा ये जो दिस है, दैट है, ये भी आपके डिटर्मिनर्स हैं। और ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये इनमें से सिंगुलर की तरह अगर ये काम करें, यानी ये डिटर्मिनर्स अगर आपने किसी कलेक्टिव नाउन से पहले रखा है तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है। अगर इसी दिस और दैट के बजाय मैंने दीज और दोज ले लिया तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कोई कहे आपसे एवरी स्टाफ आर ऑनेस्ट इन दिस, सोचे बच्चों ये वाक्य सही है या गलत, सोच के देखें आप। एवरी स्टाफ आर ऑनेस्ट इन दिस ऑफिस, स्टाफ के पहले क्या लगाया बच्चों आपने, क्या लगाया आपने, एवरी, इसका मतलब आप इसे क्या मान रहे हैं, सिंगुलर, और अगर सिंगुलर मान रहे हैं तो वर्ब आपने क्या ली है, प्लूरल, गलत हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, इज हो जाएगा। और एक वाक्य देखते हैं, देखें इस वाक्य को भी और सोचें कि वाक्य सही है या गलत है। दिस क्लास
have always performed well. मैंने बच्चों क्लास के पहले क्या लगाया है? This. इसका मतलब कि अब मैटर ही खत्म हो जाता है कि यह कभी प्लूरल हो सकता है, अर्थात यह गलत है. यहां क्या हो जाएगा? This is to be noticed. यानी आप इसे ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इसे जो कलेक्टिव नाउन से संबंधित आपके भ्रम रहे होंगे वो दूर हो जाए. यानी अगर हमें इसे वाइंड अप करें इस रूल को, तो हम क्या कह सकते हैं? कलेक्टिव नाउन, ठीक है, अगर एक यूनिट के रूप में है, बच्चों समझ रहे हैं, एक यूनिट मतलब एक मत है, तो हमारे पास एस वी होगा और जो प्रोनाउन रहेगा वो भी सिमिलर हो जाए. लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग, अब यूनिट्स हो गया ना, यूनिट्स के रूप में है तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? अभी आपकी क्या हो जाएगी? पीवी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी. ये दो पॉइंट्स आपके हो गए. तीसरा आपको क्या समझना है? अगर भाव अस्पष्ट न हो, यानी ये अस्पष्ट न हो कि वो डिवाइडेड है या यूनानिमस है, तो आप क्या करें? वर्ब और प्रोनाउन को समान रखें. मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर वर्ब आप प्लूरल रखें तो आप प्रोनाउन को भी प्लूरल रख लें, और वर्ब अगर सिंगुलर रखें तो आप प्रोनाउन को भी सिंगुलर रख लें. उल्टा ही बोल सकते हैं, अगर प्रोनाउन को प्लूरल रखें तो वर्ब को भी आप प्लूरल रख लें, और अगर प्रोनाउन को आप सिंगुलर रखें तो वर्ब को भी सिंगुलर रखें. ये तीसरा पॉइंट है जो कलेक्टिव नाउन से संबंधित आपको याद रखना है. और लास्ट पॉइंट आपको क्या रखना है? याद क्या रखना है बच्चों? अगर आपके पास सिंगुलर डिटर्मिनर है और इसके बाद आपने क्या लिया? कोई कलेक्टिव नाउन लिया, तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा. वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी. सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना. ये एक ऐसा रूल है बच्चों जो रेगुलरली एग्जाम्स में हमको आपको दिया जाता रहा है, ताकि हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन दे जाते हैं हमने समझे. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट रूल इसी के आगे आज का मेरा दूसरा पॉइंट, ये संबंधित है वन ऑफ से, जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है. कंफ्यूज होने की वजह एक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं और आप समझ सकते हैं बच्चों. देखो, अगर आपके पास वन ऑफ है, ठीक है, और इसके बाद तो हर हाल में आपको याद होगा प्लूरल नाउन ही आएगा, तो आपको यहां जो वर्ब लेनी होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब. समझिए बच्चों, अभी काम आएगा आपके. वन ऑफ है और फिर इसके बाद प्लूरल नाउन है, तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लेनी होगी. कैसे? वन ऑफ द बॉयज हैव कम. आप अपने से भी कर सकते हैं बच्चों, देखें सही है या गलत. वन ऑफ द बॉयज हैव कम, यहां सबसेट आप समझ रहे होंगे क्या है बच्चों? वन ऑफ है, तो फिर आपकी जो वर्ब है वो हैव नहीं होगी, क्या हो जाएगी? हैज हो जाएगी. क्या हो जाएगी यहां बच्चों? हैज. वन ऑफ द बॉयज हैज कम हो जाएगा. कर लेंगे, एक और बात देखेंगे. वन ऑफ
वन ऑफ हिज सिस्टर्स आर डूइंग देयर। देख लें सही है या गलत। यह प्रोनाउन के रूप में बच्चों गलत। क्यों गलत है? क्योंकि जब आपने वन ऑफ लिया तो नाउन तो आपका क्या है, प्लुरल होगा ही, लेकिन वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर, और प्रोनाउन भी क्या होगा आपका, सिंगुलर। क्या हो जाएगा बच्चों? हर। वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज डूइंग हर वर्क। तो ये तो आसान रूल है, सभी बच्चे करीब करीब समझ सकते हैं। बच्चों दिक्कत कहां आती है? इस रूप, इस वाक्य में। अब इस वाक्य को देखें बच्चों, ये वाक्य सही है या गलत है? अगर आप इसे कर ले रहे हैं तो समझे आपको इसकी समस्या नहीं आ रही, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे मैं उन्हें समझा रहा हूं। देख लें, वन ऑफ हर सिस्टर्स यानी उसकी बहनों में से एक जो है, हु हैज कम, जो आई है, आर डॉक्टर, डॉक्टर। क्या समझ रहे बच्चे? पहले बताइए आप में से ये समझ रहे आप ना कि ये जो आपने हु हैज कम लिया है, ये बच्चों किसके लिए है? ये हु हैज कम किसके लिए है? ये है हर सिस्टर्स के लिए। किसके लिए बच्चों? हर सिस्टर्स के लिए, एक एडजेक्टिव क्लास के रूप में। तो ये हु किसके लिए हुआ बच्चों? सिस्टर्स के लिए हुआ। हु किसके लिए हुआ? सिस्टर्स के लिए हुआ, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और अगर आपका रिश्तेदार आपके घर पे आएगा तो आपके ही अनुसार चलेगा ना उस समय। तो वैसे हु किसके लिए है? सिस्टर्स का रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसको किसके अनुसार चलना होगा? सिस्टर्स के अनुसार चलना होगा। तो फिर हु के साथ यहां हैज नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, हो जाएगा ना, हैव। लेकिन ये आर किसके लिए है बच्चों? आर डॉक्टर किसके लिए है? उन सिस्टर्स में से एक के लिए है। और जब ये आर वन के लिए आपने लगाया तो यहां क्या हो जाएगा? इट। और देखें, चलिए बच्चों ये वाक्य है आपके साथ, वन ऑफ द डॉक्टर्स हु इज कमिंग टू हॉस्पिटल हैव बीन वेरी डिसेंट। देखें और बताएं क्या आंसर होगा, सही वाक्य है या गलत। बोले बच्चों ये वाक्य सही है या गलत? वन ऑफ द डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स में से एक, हु इज कमिंग टू हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, हैव बीन वेरी डिसेंट, वो बहुत शालीन रहे, बहुत अच्छे रहे। डिसेंट में शानदार, शालीन। सही है या गलत? एक एक पॉइंट देखें बच्चे। सबसे पहले आपने देखा कि जो वन ऑफ है इसके बाद आपके पास प्लूरल नाउन आना चाहिए, सही है ना, डॉक्टर्स, सही, वन ऑफ द डॉक्टर्स। अब इसके बाद मैंने वर्ब नहीं लिए बच्चों, इसके बाद मैंने क्लास ले लिया। क्या ले लिया? पूरी क्लास, हु इज कमिंग टू हॉस्पिटल, यहां तक पूरी क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। तो जो ये हु इज कमिंग टू हॉस्पिटल है, ये किनके लिए है बच्चों? ये डॉक्टर्स के लिए।
और अगर यह डॉक्टर्स के लिए है तो किसके अनुसार चलेगा? हु? डॉक्टर्स के अनुसार। तो मैंने क्या लिखा है देखें, इज लिखा, समझ गए होंगे, यहां पे इज नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, हु इज कमिंग टू हॉस्पिटल हैव, ये हैव किसके लिए है बच्चों, ये हैव है वन के लिए, और अगर ये वन के लिए है तो आप खुद सोचें वन के साथ हैव कैसे लगेगा, यहां ये गलत है, यहां क्या हो जाएगा, है हो जाएगा या ये वन ऑफ का। तो इसका एक और एग्जांपल आप अपने से करके देख लें, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन आर, देखें बच्चों और बताएं सही है या गलत, वन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी उन विद्यार्थियों में से एक हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, जिन्होंने एग्जाम्स को पास किया है, आर हियर यहां है, वन ऑफ के बाद क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स सही है प्लूरल नाउन, फिर आपके पास एडजेक्टिव क्लास है, हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ये सही है या गलत, सही है या गलत, सही है ना, ये हु किसके लिए है बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए है, तो हु के साथ क्या लिया मैंने, हैव लिया, सही हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, आर ये आर किसके लिए है बच्चों, वन के लिए है, तो ये गलत है ना, क्या हो जाएगा यहां पे, तो ये मेरा आज आपका सेगमेंट था पार्ट फोर का बच्चों, जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत बच्चों, बट आप समझते होंगे सुविधाएं उस तरीके की नहीं हो पाती जैसा हम चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, तो ये चीजें जो आपको मेटीरियल है वो कैसा लगा, ये आपके लिए उपयोगी रहा या नहीं रहा, अगर दिक्कतें होंगी बताइएगा, कल की मेरी क्लास में हम इसे और अधिक बेहतर तरीके से डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।